नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। कुंडा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पार्टी बनाने की कयासबाजी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि राजा भैया की तरफ से उनके नजदीकी लोगों ने दिल्ली में चुनाव आयोग को नई पार्टी बनाने का आवेदन किया है। पार्टी के लिए 3 नाम भी दिए गए हैं। नजदीकी सूत्रों के अनुसार राजा भैया की पार्टी का नाम जनसत्ता दल हो सकता है। इसके अलावा नवरात्रि में अष्टमी से पहले राजा भैया लखनऊ में नई पार्टी के गठन की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में खुद राजा भैया व उनके करीबी लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी का कहना है कुछ दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। दरअसल राजा भैया की इस कवायद को सवर्णों को लामबंद करने की मुहिम के रूप में देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुए मतभेद के बाद से ही वह नया सियासी जमीन तलाश रहे हैं। कहा जाता है कि सपा से खराब रिश्ते होने के बाद राजा भैया का यह बड़ा सियासी दांव है। वह लगातार 8वीं बार विधायक हैं। 1993 से वह कुंडा से निर्दलीय जीतते आ रहे हैं। 97 में भाजपा सरकार में वह पहली बार मंत्री बने। 2002 में बसपा सरकार में विधायक पूरन सिंह बुंदेला को धमकी देने के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा। बाद में मुख्यमंत्री मायावती ने उन पर कोटा लगा दिया था। करीब 18 महीने वह जेल में रहे। 2003 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद राजा भैया के ऊपर से कोटा हटा लिया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तब से वह लगातार सपा के साथ थे। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।